हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जीरा राइस बनाने की रेसिपी। वैसे सभी के घरों में जीरा राइस तो बनता ही होगा, लेकिन आज ये मैं रेसिपी अपने स्टाइल में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जिससे कि आपका जीरा राइस बहुत ही खिला खिला बने और बहुत ही फ्लेवरफुल बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीरा राइस बनाने की रेसिपी। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये जो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन है, उस पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाजू में जो बेल आइकॉन है, घंटी वाला बटन, उसको भी क्लिक करके ऑन कर ले, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। जीरा राइस बनाने के लिए सबसे पहले तो हम बासमती राइस को सोक करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कप बासमती राइस लिए है और उसे अच्छे से वॉश कर लिया है 2-3 बार पानी से। और अब हम इसको थोड़े से पानी में भिगा कर रखेंगे आधे घंटे के लिए। जीरा राइस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बासमती राइस का यूज किया है, लेकिन आप चाहे तो जो घर के डेली यूज वाले चावल होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं जीरा राइस बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी और 1 बड़ा चम्मच तेल ऐड करके उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। फिर मैंने 1 तेजपत्ता, 1 चक्रीफूल और 1 इंच दालचीनी को तोड़कर इसमें ऐड किया है। ये थोड़े से एडिशनल फ्लेवर्स के लिए है। अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच जीरा लिया है। जीरा राइस बना रहे हैं तो जीरा थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में ऐड होगा। अब इन सबको हम थोड़ी देर के लिए सौते करेंगे। इसे हमें बिल्कुल भी डार्क नहीं होने देना है, बस जीरा हल्का सा क्रंची हो जाए। और फिर हम इसके साथ इसमें ऐड करेंगे बासमती राइस जो हमने सोक करके रखे थे। इसका सारा पानी हम ड्रेन कर लेंगे और फिर हम इसको ऐड करेंगे पैन में। और अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सौते करेंगे। ऐसा करने से इसके अंदर जो स्टार्च बचा हुआ होता है, जो हमारे राइस को स्टिकी बनाता है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और हमारा जीरा राइस बहुत ही खिला खिला बनेगा। इसे मिक्स करते वक्त आप इसको हल्के हाथों से ही मिक्स करिए, वरना चावल हमारे टूट सकते हैं। अब हम चावल को बॉईल करने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी ऐड किया है। ध्यान रखिए, हमने 1 कप बासमती राइस लिया था और उसका डबल यानी 2 कप पानी ऐड कर रहे हैं। इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसमें एक बॉईल आने देंगे। जैसे ही चावल में बॉईल आ जाएगा, हम फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और इसके ऊपर हम एक लिड लगाएंगे और इसे ढककर 3-4 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, या फिर जब तक इसका पानी 80-90% ड्राई नहीं हो जाता। 4 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन कर लिया है और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें का जो सारा पानी है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा पानी बचा हुआ है जो हम दम पर पकाएंगे। उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा फ्रेशली चॉप किया हुआ धनिया ऐड करेंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें। राइस को थोड़ा सा ऊपर नीचे करने के बाद हम इसको फिर से एक लिड से ढक देंगे और इसे दम पर रख देंगे एकदम स्लो फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए, या फिर जब तक इसमें से स्टीम नहीं निकलती तब तक। 2-3 मिनट के बाद मैंने इसको फिर से ओपन कर लिया है और अभी आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और राइस भी हमारा परफेक्टली कुक हो गया है। और आप देख सकते हैं कि इसका हर एक दाना अलग अलग है और बहुत ही खिला खिला बना है। आप चाहे तो इसमें से जो ये खड़े मसाले हमने ऐड किए थे वो आप सर्विंग के पहले निकाल सकते हैं। अब ऊपर से गार्निश करेंगे थोड़े से फ्रेशली चॉप की हुई धनिया के साथ और इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखिए, हमारे बहुत ही जबरदस्त खिले खिले जीरा राइस बनकर बिल्कुल रेडी है। आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें जीरा राइस बनाने के लिए। अगर आपको मेरे रेसिपीज पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करना। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे किसी अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।